जो अभिमान से, जो गौरव से लाल पाट साड़ी को देखते हैं, हम लोग भी किसी ओकेजन में बहुत शौक से वो साड़ी पहनते हैं। बहुत लोगों के मतलब इमोशनल कनेक्ट है वो साड़ी से, लेकिन फिर भी ये लोग उसका कदर नहीं किए। क्या सोच के ये लोग करते हैं, मतलब किस तरह का राजनीति कर रहे हैं, वो बिल्कुल मेरे समझ से परे है। लेकिन निश्चित रूप से ये लोग बस तोड़ने फोड़ने पे लगे रहते हैं। ये लोग जोड़ने या समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में इन लोग का कोई, हम कोई इन लोगों की तरफ से कभी कोई पहल नहीं देखने को मिला। हमेशा लोगों को गाना तोड़ना और लोगों में जाति और धर्म को लेके नफरत पैदा करना एक दूसरे के प्रति, बस ये इनका मानसिक। देखिए, ये मजदूर स्टेट में ही सिर्फ विषय नहीं है, ये पूरे देश भर में आप देखिए कि विस्थापित लोग के ऊपर हर स्टेट में जहाँ जहाँ कोई खनन हो रहा है कार्य, या फिर जहाँ पे विस्थापन का समस्या है, ये सेंट्रल लेवल से इन सब चीज़ों का के लिए आंख और कान बंद कर दिया गया है। जो केंद्र सरकारी की कंपनी है, जितनी भी मेरे क्षेत्र में है, वो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई कंपनी है। ये लोग सेक्शन 9 लगाते हैं, ये केंद्र सरकार से लगता है, काम करते हैं 5-10 साल बाद, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो मूलभूत सुविधा से वंचित हो जाते हैं। हमने ऐसा कभी, मतलब कोई सत्र में हमने विस्थापन का समस्या को ऐसा नहीं है कि नहीं रखा, हर सत्र में रखा। और विस्थापन आयोग का गठन हम बार बार बोल के आज अब है कि विस्थापन आयोग का गठन होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है जो हमने हमेशा उनका आवाज़ बन के हमेशा चिल्लाते रहे विधानसभा में, जिसमें कि अब ये विस्थापन आयोग का गठन होने वाला है। और इतने समय से ऑपोजिट सरकारें रहीं, पहली बार तो हमारी सरकार बनी है, इतनी सारी ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार की तरफ से उठाई गई है। अगर एक भी स्कीम जो है हमारी सरकार का, आप देखिए कितने संवेदनशीलता के साथ सारा चीज़ों को, चाहे 200 यूनिट बिजली माफ़ी, चाहे किसान का कर्ज़ा माफ़ी, चाहे यूनिवर्सल पेंशन हो जाए, चाहे अभी 1,000 जो महिलाओं को खाता में जाने वाला है, हर एक महीना जो मिलने वाला है, 21 साल से 50 साल पेंशन का जो उम्र है वो घटा के 50 साल कर दिया गया। ये संवेदनशीलता का ये कई ऐसे हैं उदाहरण, मतलब ये इतने ही नहीं है, लेकिन इनके तरफ से कुछ भी नहीं किया। अभी विस्थापन आयोग का गठन भी हमारी सरकार में होगा, विस्थापितों के ऊपर एक नज़र नहीं देखा गया। हालांकि विस्थापितों का दर्द समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे, मतलब उनके कॉस्ट पे हम लोग 24 घंटा बिजली पूरे देश में मिल रहा है, लेकिन जिसके कॉस्ट पे बिजली मिल रहा है वो लोग का क्या बद से बदतर हालत होता जा रहा है, इसको देखने का ज़रूरत है। हम लगातार इस पर संघर्ष करें। बोर्ड का गठन होना चाहिए, बोर्ड तो है लेकिन उसमें जो मेंबर्स बैठाने चाहिए, मतलब वो एक्टिव रोल में नहीं है, इसको एक्टिव रोल में करना है। देखिए, सरकार के पास बहुत सारी चुनौती आई सरकार बनने के बाद, और सरकार को हमेशा उनको सरकार को गिराने का भी प्रयास हमेशा करते रह गया। कई बार मंत्री शपथ ग्रहण में आप लोग को आना पड़ा एक ही सरकार में, तो आप लोग जान रहे हैं कि इस परिस्थिति में हमारे ही सरकार में कोरोना का 2 साल हम लोग जो चपेट झेले हैं, जिसमें कि कोई दूसरा काम किया नहीं जा सकता था। तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी सरकार ने एक लंबा लकीर खींचा है। जो समस्या है, ऐसा नहीं कि सारी समस्या का हल कर दिया है, लेकिन जो हमेशा से ही बने रहे वो तो कुछ नहीं किए। जो पहली बार सरकार बना उसने बहुत कुछ किया, तो उम्मीद भी उसी से है कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।